center of mass is moving. Center of mass is moving. और rotation का मतलब है angle is changing. Means it is rotation का मतलब है about center of mass axis, about center of mass axis, body is rotating. Body is rotating. जैसे समझो इसको, जैसे ये है, देखो ये तुमको एक डिस्क दिखाई दे रहा है, ये डिस्क दिखाई दे रहा है और हम इसको ऐसे खींच रहे हैं. ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन है. ये कौन सा मोशन है? देखो ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन है. क्यों? कोई भी लाइन अपना ओरिएंटेशन नहीं चेंज कर रहा है. एग्रीड? अब मैं इसको रेस्ट पे ले आता हूं, इसको घुमा देता हूं. अब मैं इसको फिक्स कर देता हूं. एक्सिस जो इसका ग्रीन कलर का फिक्स है और इसको मैं ऐसे घुमा देता हूं. तो ये जो मोशन है ये क्या है? रोटेशन मोशन है. एक्सिस कहां है? सेंटर ऑफ मास पे है. अब सोचो ये ऐसे चल रहा है, अब क्या हो रहा है? अब अगर ये ऐसे चल रहा है, अब क्या हो रहा है? अब तुम देखोगे सेंटर ऑफ मास चल रहा है. अब तुमको दिखाई देगा सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है. इसको बोलते हैं कंबाइंड मोशन. तो हम इसको डील कैसे करते हैं जरा देखना. तो हमारा कंबाइंड मोशन का मतलब कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, उसकी सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी है, उसकी सेंटर ऑफ मास मूव कर रही है, इसके पास कोई वेलोसिटी है और कोई एक्सेलरेशन हो सकता है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये घूम भी रहा है, ओमेगा भी इसके पास. इसको बोलते हैं कंबाइंड मोशन. सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं है, चल रही है तो ट्रांसलेशनल, और सेंटर ऑफ मास ऐसी बॉडी अगर ओमेगा से घूम रही है तो हो गया रोटेशनल. नाउ इस मोशन को हम कैसे एनालाइज करें, हम इस मोशन को कैसे देखें? तो इसमें हम तीन केसेस पढ़ेंगे. कुल मिला के पहला है यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग. ये बताएंगे तीनों केस क्या क्या. हम इसमें तीन केस पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग. दूसरा होता है एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग. और तीसरा होता है स्लिपिंग और स्किडिंग. है तीनों इसी का केस, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग. ये एक ऐसा केस होता है जहां इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ओमेगा भी कांस्टेंट होती है. वेलोसिटी और ओमेगा कांस्टेंट होती है. यहां पर क्या होता है? एक्सीलरेशन वेलोसिटी वेरी करता है. वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होता है, ओमेगा भी फंक्शन ऑफ टाइम होता है, देखेंगे. और यहां पर क्या होता है? ये स्लिपिंग या स्किडिंग का केस होता है, वो देखेंगे क्या होता है. पहले हम ये समझते हैं हम एनी कंबाइंड मोशन को डील कैसे करते हैं. ठीक है, हाउ टू डील विथ कंबाइंड मोशन. ठीक, तो सबसे पहले हम तुमको ये बताना चाहते हैं कंबाइंड मोशन ये सुपर इंपोजिशन ऑफ टू प्योर मोशन. विच वन इज प्योरली ट्रांसलेशनल एंड प्योरली रोटेशनल. हम इसको इस तरह से बता रहे हैं, उसका कारण क्या है जरा ये समझो. हम कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी किसी बॉडी में प्योरली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल होगा, जब भी कोई बॉडी कंबाइंड मोशन में होगा, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं दो मोशन में, एक प्योरली ट्रांसलेशनल और एक प्योरली रोटेशनल. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं वी कैन इमेजिन ए कंबाइंड मोशन एज ए सुपर इंपोजिशन of two independent motions. कौन कौन सा motion भाई साहब? पहला purely translational with VCM
और ACM और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहला मोशन मानते हैं प्योरली ट्रांसलेशनल, यानी पहला मोशन, भले ही ये मोशन मेरा, भले ही ये जो है, भले ही ये मेरा मोशन या कंबाइंड मोशन है, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। पहला पार्ट ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है किस वेलोसिटी से, पहला पार्ट ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है VCM से, और दूसरा ये सिर्फ रोटेट कर रहा है ओमेगा से। दोनों को सुपर इंपोज करेंगे, देखो कैसे। इसका मतलब है पहले हम ये मान लेंगे कि ये बॉडी जो है प्योरली ट्रांसलेशनल में है और इसकी वेलोसिटी VCM है, तो ट्रांसलेशनल की खासियत होती है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी VCM ही होती है। ट्रांसलेशनल में हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, पूरी बॉडी में कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, हर एक की वेलोसिटी VCM ही होगी। इनफैक्ट यहां भी कोई पॉइंट ले लो बीच में, इसकी भी पॉइंट की वेलोसिटी VCM, यही ट्रांसलेशनल मोशन की खासियत होती है। ट्रांसलेशनल का मतलब है हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से, सेम डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी वेक्टर से चल रहा है। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन होता तो हर एक की एक्सेलरेशन भी सेम होती। एग्रीड? दूसरा, प्योरली रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। अब क्या करो, इसको रेस्ट पे ले आओ, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे ले आओ, और सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे लाने के बाद इसको घुमा दो। इसके कारण इसकी कुछ क्वांटिटी आएगी, चाहे वेलोसिटी आए, चाहे मोमेंटम आए, चाहे एंगुलर मोमेंटम आए, चाहे एनर्जी आए। अब दोनों को ऐड कर दो, तो यू डू टू टेक प्योरली रोटेशनल। अगर तुम रोटेशनल मोशन ले रहे हो इस एक्सिस के अबाउट, अगर तुम सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट, अगर तुम इसको एक्सिस मान लो और ये प्योरली रोटेट कर रहा है, तो तुमको पता है अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तुम जानते हो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल ओमेगा इंटू आर होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है ओमेगा इंटू आर। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी ड्यू टू रोटेशनल मोशन और सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी जीरो, ठीक है ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी जीरो। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में ओमेगा आर, होगा ना। और यहां कोई पॉइंट अगर होता एक्स डिस्टेंस पे, तो इसकी वेलोसिटी भी इस सर्किल पे घूम रही होती ऐसे करके ओमेगा इंटू एक्स। जैसे यहां देखो, ये जो सर्किल है, अगर इसको मैं इस तरह से घुमा रहा हूं, तो जो पॉइंट दूर पे है, यहां पे पेरिफेरी पे, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो हर पॉइंट पे टेंजेंशियली है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियली, ठीक है। लेकिन जो नजदीक है उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड कम है, वो भी टेंजेंशियल है बट स्पीड का मैग्नीट्यूड कम है। अब क्या करो, इस डायग्राम को उठा के इस डायग्राम पे डाल दो, इस डायग्राम को उठा के इस डायग्राम पे डाल दो, हर पॉइंट पे इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का वेक्टर समझ लो, वो उसकी नेट वेलोसिटी होगी। यानी कि अगर तुम जानना चाहते हो कंबाइंड मोशन में वेलोसिटी क्या होगी, और तुम ये जानना चाहते हो कि ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ये मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले सिर्फ ट्रांसलेशन लिया VCM, फिर मैंने क्या किया सिर्फ रोटेशन लिया, बट मेरे केस में क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो रहा है, ट्रांसलेट तो कर ही रहा है रोटेट भी कर रहा है, तो अब जो नेट वेलोसिटी निकलेगी दोनों का वेक्टर सुपर इंपोजिशन कर दो, इसको इसके ऊपर सुपर इंपोज करो, जो क्वांटिटी निकालना है इसको अलग निकालो, इसको अलग निकालो, सुपर इंपोज कर दो। तो तुम ये पाओगे कि कंबाइंड मोशन के केस में अगर तुम सुपर इंपोज कर दो, अगर तुम कंबाइन कर दो, अब तुम इन दोनों को क्या करो, सुपर इंपोज कर दो, सुपर इंपोज द टू डायग्राम्स इन कंबाइंड मोशन। ये होता इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VCM प्लस ओमेगा होगी। इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, VCM प्लस जीरो। इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट की, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन इसकी वेलोसिटी थी VCM, ड्यू टू ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी थी VCM, ये तो सबकी सेम है। ड्यू टू रोटेशनल, क्योंकि इस तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो इसकी वेलोसिटी थी नीचे की तरफ, कितनी थी ओमेगा आर।
तो इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी हो जाएगी इन दोनों का वेक्टर सम। सही है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? देखो VCM इधर, ओमेगा आर इधर, इन दोनों का वेक्टर सम। इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या होगी बताओ? VCM फॉरवर्ड, ओमेगा आर बैकवर्ड। तो इसकी अगर नेट वेलोसिटी हम सामने की तरफ लेंगे तो VCM माइनस ओमेगा, नहीं तो बैकवर्ड लेंगे तो ओमेगा आर माइनस VCM। एक है ओमेगा आर, एक है VCM, दोनों को सुपर इंपोज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट पी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास टू ग्राउंड। सही है, और ये तो फिक्स है, ये वेक्टर तो फिक्स है। व्हाट इज दिस वेक्टर? दिस वेक्टर इज VCM विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज अ फिक्स्ड वेक्टर फॉर ऑल पॉइंट। हर एक पॉइंट के लिए ये वेक्टर फिक्स है, ये वेक्टर फिक्स है सबके लिए, बट ये वेक्टर अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग अलग डायरेक्शन में है। इसकी वैल्यू अगर तुम निकालना चाहो वेक्टोरियली तो ये होता है ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। लेकिन अगर स्केलर फॉर्म में जानना चाहो तो ओमेगा इंटू आर टेंजेंशियल, ओमेगा इंटू आर टेंजेंशियल, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, और डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल होगा ना, वही तो कर रहे हैं। यहां इस पार्ट को लिख लिया और यहां इस पार्ट को ले लिया, फर्स्ट डायग्राम में ये पार्ट दिखाए, सेकंड डायग्राम में ये पार्ट दिखाए, और फिर दोनों का वेक्टर सम ले रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। ठीक, इतना ही नहीं, तुम सिर्फ वेलोसिटी को सुपर इंपोज नहीं कर सकते, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तुम इसको और इसको सुपर इंपोज कर दो। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां से एक्सीलरेशन निकालेंगे, यहां से एक्सीलरेशन निकालेंगे, दोनों को सुपर इंपोज कर देंगे, नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा। अगर हमको एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है, तो क्या करेंगे? हाउ टू गेट एनर्जी? हम यहां लिखना चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टोटल, हम यहां लिखना चाहते हैं कि अगर हम इस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो हम लिख रहे हैं इस तरह से, हम इस पर लिख रहे हैं इस तरह से, किस तरह से हम लिख रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। यानी कि ड्यू टू दिस मोशन प्योरली ट्रांसलेशनल, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ टोटल मास और हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। जब ये ऐसे घूम रहा है और ये रेस्ट पे है, प्योरली रोटेशन है एक्सेस के बाद, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो तुमको अपना सेंट्रल मास फ्रेम याद दिलाते हैं, हमने जब सेंट्रल मास फ्रेम में निकाला था काइनेटिक एनर्जी, अगर तुमने देखा था, अगर तुमको याद होगा, हमने जब सेंट्रल मास फ्रेम की बात की थी तो मैंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड टोटल, ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताया था। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंट्रल मास क्या है? सेंट्रल मास की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हाफ टोटल मास इंटू वीसीएम स्क्वायर। अगर सिर्फ सेंट्रल मास की मोशन ले तो सेंट्रल मास के ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है? ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर पूरी की पूरी बॉडी सेंट्रल मास की स्पीड से चल रही हो और सबकी स्पीड सिर्फ इसमें VCM हो, जो VCM है वही वेलोसिटी अगर हर पार्टिकल के पास कॉमन वेलोसिटी ट्रांसलेट कर रहा है तो उस समय काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम VCM स्क्वायर। जबकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम मीन्स अब तुम यहां रुक गए और अब तुम यहां रुक गए हो इस फ्रेम में बैठ के तुम इसे काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो तो क्या करोगे? हाफ एम आई इंटू ओमेगा आई आर आई का होल स्क्वायर। इस फ्रेम में ये पार्टिकल ओमेगा इंटू R1 से चल रहा है, ये ओमेगा इंटू आर टू से चल रहा है, ये ओमेगा इंटू आर थ्री से चल रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम आई ओमेगा इंटू आर आई का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका
समेशन होगा, तो वो क्या आएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर, समेशन ऑफ एम आई आर स्क्वायर, क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, समझो, ये जो पार्ट है ये बता रहा है, ये बता रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये पार्ट बता रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सेंटर ऑफ मास के एक्सिस में देखोगे तुमको सिर्फ रोटेट करता दिखेगा, उसमें इतना काइनेटिक एनर्जी आएगा, आएगा ना, तो तुम यानी सब कुछ कर सकते हो, यानी अब ये केस रिजॉल्व हो गया। जिस तरह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 1D मोशन मान लेते थे तो काम हो जाता था, हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 1D मोशन में ब्रेक कर देते थे, उसी तरह से हम किसी भी कंबाइंड मोशन को 2 इंडिपेंडेंट अलग अलग कर देंगे, ट्रांसलेशन अलग कर देंगे, रोटेशन अलग कर देंगे, दोनों में देखेंगे, दोनों को फिर जोड़ देंगे, स्केलर क्वांटिटी स्केलर में जोड़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर में जोड़ेंगे, ठीक। हम पहले केस में आ रहे हैं, अब हम पहले केस में आ रहे हैं इलस्ट्रेट करने के लिए। अभी तक मैंने रोलिंग को डिफाइन नहीं किया, अब मैं रोलिंग को डिफाइन करूंगा, ठीक है। सो मेन चीज है कि सुपर इंपोज करते हैं 2 इंडिपेंडेंट मोशन को, हम क्या कर रहे हैं, पहला केस ले रहे हैं, हम ये वाला केस ले रहे हैं कि हमारे पास, क्योंकि तीनों केस में जो है कि खासियत अलग अलग है, तुम देखोगे क्या है खासियत क्या है। तो पहला केस हम ले रहे हैं ऐसा केस जिसमें वेलोसिटी और ओमेगा तुमने देख के छोड़ दिया और ना कोई फोर्स लग रहा है ना कोई टॉर्क लग रहा है, तुमने वो केस लिया है जहां पे कि तुमने वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और ओमेगा भी कांस्टेंट है, ठीक है। सो केस वन ले रहे हो, केस वन, इफ VCM and omega both are constant, इसका मतलब क्या हुआ, F net is zero, F net होगा तो center mass velocity बदलेगी, omega is means torque is zero, सही हो ना, पहला केस ले रहा है। तो इसमें हमारे पास एक बॉडी है इस तरह से, मेरे पास एक बॉडी इस तरह से है, इसके सेंटर मास की वेलोसिटी VCM है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है। तो ये बताओ इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे 2 वेलोसिटी सुपर इंपोज होगा, यहां भी 2 वेलोसिटी सुपर इंपोज होगा, यहां भी 2 वेलोसिटी सुपर इंपोज होगा और यहां भी 2 वेलोसिटी सुपर इंपोज, सही है। ड्यू टू ट्रांसलेशनल सबको एक ही वेलोसिटी मिलेगी VCM, ड्यू टू रोटेशनल ये जो हो रहा है सब अबाउट सेंट्रल मास एक्सिस, इसको एक वेलोसिटी मिलेगी नीचे ओमेगा और इसकी रेडियस आर है, इसको क्या मिलेगा एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ओमेगा, इसको एक वेलोसिटी मिलेगा ऊपर कितना मिलेगा ओमेगा, सही है, इसको एक वेलोसिटी मिलेगा पीछे कितना मिलेगा ओमेगा, सही है। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा, सही है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं तुमको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं, ये हो क्या रहा था, अब इसके आसपास की चीजें तुमको दिखा रहा हूं। ये बेसिकली ये जो VCM और ओमेगा है ये एक प्लेटफॉर्म पे था, किस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे, ये इस प्लेटफॉर्म पे था, ये मेरा हैंड मूव कर रहा है और इसके ऊपर ये मूव कर रहा है, मेरा हैंड मूविंग है याद रखना, ये प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे ये मूव कर रहा है, ठीक। तो यानी कि केस कुछ वैसा था कि ये जो बॉडी हो रहा है जो कंबाइंड मोशन ट्रांसलेशन में है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा था, हमने प्लेटफॉर्म को थोड़ा साइड करके दिखाया है, बट ये प्लेटफॉर्म था, ये प्लेटफॉर्म था और ये यू स्पीड से चल रहा था, यानी एक चलते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर एक यू स्पीड से चलते हुए ट्रक के ऊपर
एक बाइक चल रही है, एक ट्रक है, एक ट्रेन है जो यू स्पीड से चल रही है, और उसके ऊपर एक एक जो है क्या बोलेंगे उसको, बाइक चल रही है, एक बाइक जो है दैट इज मूविंग ऑन ए बाइक इज मूविंग ऑन ए मूविंग ट्रेन। तो अब ये बताओ, हम कहना चाहते हैं यहां कोई स्लिपिंग स्किडिंग नहीं है, उसको बोलते हैं रोलिंग, नो स्लिपिंग और स्किडिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है अगर कहीं रोल स्लिपिंग, इसको बोलते हैं रोलिंग, क्या बोलते हैं रोलिंग, रोलिंग का मतलब होता है अगर कहीं भी दो पॉइंट पी और क्यू कॉन्टैक्ट में है, कहीं भी अगर दो पॉइंट पी और क्यू कॉन्टैक्ट में है तो एनी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, फॉर एनी टू पॉइंट्स, फॉर एनी टू पॉइंट्स, कहीं भी एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी इन कॉन्टैक्ट, वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। सर दिख नहीं रहा, एक मिनट, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन। अब यहां बताओ, ये इसके ऊपर, ये मैंने बस गैप दिखाया, गैप है नहीं, ये इसके ऊपर चल रहा है, ये एक ट्रक चल रहा है और इस ट्रक के ऊपर ये पहिया चल रहा है, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू कॉन्टेक्ट में है, सही है, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू कॉन्टेक्ट में होगा ना। ये बताओ क्यू की वेलोसिटी कितनी है, यू, पी की वेलोसिटी कितनी है, नेट वेलोसिटी वीसीएम माइनस ओमेगा। तो यहां पर अगर तुम वीपी इज इक्वल टू वीक्यू कर रहे हो, इंप्लाइज वीसीएम माइनस ओमेगा, वीसीएम माइनस की नेट वेलोसिटी राइट वर्ड मस्ट बी इक्वल टू यू, एग्रीड। दिस इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग, कंडीशन ऑफ रोलिंग। यही अगर यू पीछे जा रहा होता तो, ये ट्रक पीछे जा रहा होता और बाइक फॉरवर्ड जा रहा होता तो बिल्कुल ओमेगा आर माइनस वीसीएम शुड बी इक्वल टू यू, ठीक है। अगर ये ग्राउंड होता तो, अगर ये प्लेटफॉर्म ग्राउंड होता तो यू क्या हो जाता, जीरो। अगर ये ग्राउंड हो गया, अगर प्लेटफॉर्म ग्राउंड है, रेस्ट पे है, इसका मतलब वीसीएम माइनस ओमेगा आर जीरो। वीसीएम माइनस ओमेगा आर जीरो का मतलब क्या है, वीसीएम इज इक्वल टू ओमेगा आर, बट वो सिर्फ ग्राउंड पे, इस पे नहीं। तो यहां वीसीएम माइनस ये हो गया। अब ये बताओ मुझे, ये रफ सरफेस है, यहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, मैंने इसको वेलोसिटी दे दिया, मैंने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, मैंने इसको ऐसे थ्रो किया फॉरवर्ड, मैंने क्या किया, इस बॉल को जो है फॉरवर्ड थ्रो किया और रोटेट भी कर दिया, मैंने एक बॉल को लिया और मैंने उस बॉल को क्या किया, ऐसे मैंने इसको थ्रो भी किया और घुमा के थ्रो किया, यानी मैंने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया और एक ओमेगा भी दे दिया, बट ऐसा दिया कि वीसीएम माइनस ओमेगा आर नेट पॉइंट और यू इक्वल था, बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहां फ्रिक्शन कितना ऐड करेगा सो बताओ, इमेजिन करो मेरे पास एक व्हीकल है और ये 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉक को थ्रो कर दिया, उसकी स्पीड भी 6 मीटर पर सेकंड दे दी इनिशियल स्पीड, फ्रिक्शन कितना ऐड करेगा दोनों के बीच में, जीरो। फ्रिक्शन ऐड करेगा जीरो, क्यों, फ्रिक्शन नहीं होता तो भी दोनों साथ चलता, फ्रिक्शन जीरो है तब भी दोनों साथ चल रहा है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, जब उसकी न होने से, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, अगर रिलेटिव मोशन होता तो फ्रिक्शन कम्स इनटू पिक्चर टू प्रिवेंट दैट, बट यहां तो रिलेटिव मोशन है ही नहीं, समझ रहे हो ना, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ही नहीं। सरफेस रफ है तो है, सरफेस रफ है, जरूरत पड़ने पर फ्रिक्शन एक्ट कर सकता था, जरूरत पड़ने पर फ्रिक्शन एक्ट कर सकता था, बट जरूरत ही नहीं है तो फ्रिक्शन जीरो होगा। तो इस केस में फ्रिक्शन जीरो होता है, याद रखना, इस केस में देयरफॉर बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, और याद रखना फ्रिक्शन
यहां ऐड करता है, यहां नहीं ऐड करता है। ये मत बोलना कि सर ये तो यू से चल रहा है और ये तो ज्यादा से चल रहा है, तो इन दोनों में तो रिलेटिव मोशन है, तो उससे फ्रिक्शन का मतलब नहीं है। फ्रिक्शन एक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो दो पॉइंट कॉन्टेक्ट में होते हैं वहां रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, सिंस रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो पहले से है, therefore even if surface is rough, surfaces are rough, no friction acts, तो friction act करेगा ही नहीं, because friction act नहीं करेगा, friction zero, बाकी कोई force भी act नहीं कर रहा है, तो Newton's law का question बनेगा ही नहीं। इस केस में Newton's law का question बनेगा ही नहीं। No question based on Newton's laws of motion or work energy theorem. कोई question Newton's law या work energy theorem बनता है जब force ही नहीं है, तो work कहां से होगा? जब force ही नहीं है तो acceleration कहां से होगा? इसमें एक ही question बनता है, kinematics। कौन सा बनता है? kinematics, जिसमें आपसे पूछेंगे displacement, velocity, trajectory, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब पूछेंगे। बता रहा हूं, ठीक है? तो समझो ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है, v माइनस ओमेगा। अच्छा मान लो इसके ऊपर एक तख्ती होता, मान लो इसके ऊपर एक तख्ती होता जो v नॉट स्पीड से चल रहा होता, मतलब इस तरह से ये तो रोल कर ही रहा है ग्राउंड पे, ऊपर में एक तख्ती भी है जो ऐसे चल रहा है, समझ रहे हो? नीचे एक रोल हो ही रहा है, नीचे एक प्लेटफॉर्म चल रहा है, ऊपर एक प्लेटफॉर्म, इन दोनों में फंस गया है, स्लिपिंग कहीं नहीं हो रहा है। तो एक बुक, एक प्लेटफॉर्म नीचे, एक प्लेटफॉर्म ऊपर है, और ये ऐसे चल रहा है दोनों से कॉन्टेक्ट बना के, तब बताओ ये वी नॉट किसके इक्वल होता? वी सी एम प्लस ओमेगा, क्योंकि ये और ये कॉन्टेक्ट में है, ए और बी कॉन्टेक्ट में है, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए की वेलोसिटी वी नॉट और बी की वेलोसिटी कितनी होगी? वी सी एम प्लस ओमेगा, तो वी नॉट होता वी सी एम प्लस ओमेगा, सही है ना? अगर यहां एक रस्सी लिपटा होता, अगर यहां एक रस्सी लिपटा होता और उस रस्सी से ब्लॉक यहां हैंग कर रहा होता और ये ब्लॉक नीचे गिर रहा होता, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी अगर वी डैश है, तो क्या ये वी डैश इक्वल टू होती ओमेगा? क्योंकि टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, एग्रीड? वी डैश इक्वल टू ओमेगा। चलो और केसेस में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं कि रोलिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा, और इस केस में अगर मैं तुमसे ये पूछूं किसी कार्डी है जी क्या होगा, तुम लिख सकते हो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओमेगा। चलो अब हम क्या ले रहे हैं, रोलिंग ऑन ग्राउंड ले रहे हैं, हम स्पेशल केस ले रहे हैं। अगर कोई रोलिंग मोशन ग्राउंड पे हो रही हो, अगर कोई रोलिंग मोशन ग्राउंड पे हो रही हो, ठीक, हम एक ऐसा केस ले रहे हैं यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे अगर प्योर रोलिंग होगी तो क्या होगा? सो वी आर टेकिंग यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड, स्पेशल केस है, मतलब ऐसा है कि ये हमारा एक कुछ भी हो सकता है, डिस्क हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज जो रोल कर सकता है, ठीक है? ये ग्राउंड के ऊपर है, ये है ग्राउंड, इसकी सेंट्रल मास की वेलोसिटी है VCM, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है VCM और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ये घूम भी रहा है और चल भी रहा है। हम जानते हैं यहां दो पॉइंट कांटेक्ट में है, पॉइंट P और पॉइंट Q। पॉइंट Q चूंकि ग्राउंड का पॉइंट है, पॉइंट Q जो है ग्राउंड का पॉइंट है, ये रेस्ट पे है, एग्रीड? पॉइंट P का दो वेलोसिटी होगा ड्यू टू ट्रांसलेशनल, इसकी वेलोसिटी होगी VCM
एंड ड्यू टू रोटेशनल इसकी वेलोसिटी हो जो है होगी ओमेगा। हमको पॉइंट पी और क्यू की वेलोसिटी सेम चाहिए, इसका मतलब है वीपी इज इक्वल टू वी क्यू अलोंग द टेंजेंट, ये तो हो गया जीरो। पी का वैल्यू हो गया वी सी एम माइनस ओमेगा आर, तो वी सी एम इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओमेगा आर, वी सी एम इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओमेगा आर। वी सी एम और ओमेगा आर मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में यहां पर अपोजिट होना चाहिए, एग्रीड? अगर हम इस ओमेगा को ऐसे कर देते तो क्या ये रोलिंग में रहता? यही रहता, वी सी एम और ओमेगा आर को रखते सेम, वी सी एम और ओमेगा आर में ये रिलेशन सेम रखते, इसी मैग्नीट्यूड ओमेगा अगर हम पीछे घुमा देते तो यहां पे वी सी एम और ओमेगा सेम डायरेक्शन में बनता। सोचो अगर हम ये कर दें कि वी सी एम इस डायरेक्शन में कर दें और ओमेगा इस डायरेक्शन में कर दें तो क्या ये रोलिंग में हो सकता है? नहीं हो सकता है। भले VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर है बट यहां VCM भी फॉरवर्ड और ओमेगा इंटू आर भी फॉरवर्ड होगा ना, होगा ना, तो स्किड करेगा, मतलब ये रोलिंग नहीं है ना, इसका मतलब ये हुआ, इसको रट मत लेना पकड़ के कि VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर मतलब रोलिंग नहीं, VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर रोलिंग का कंडीशन नहीं है, रोलिंग का कंडीशन है That, अगर ये पॉइंट रेस्ट पे है तो ये पॉइंट भी रेस्ट पे होना चाहिए, एग्रीड? रोलिंग का जनरल कंडीशन है कि किसी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे स्लिपिंग नहीं। अब मुझे ये बताओ इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या है? जीरो। इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। ये पॉइंट रेस्ट, ये पॉइंट, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट बीच में क्या कोई रिलेटिव मोशन है? नहीं है। ये पॉइंट रेस्ट पे है ना, क्या ये पॉइंट भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है? दोनों रेस्ट पे। तो ये बताओ इसका अगर हम काउंटर पार्ट बनाना चाहें, कहां बनाना चाहें इसका अगर हम काउंटर पार्ट बनाना चाहें ट्रांसलेशनल मोशन में, सो ट्रांसलेशनल इक्विवेलेंट मोशन कैसा होगा? ट्रांसलेशनल इक्विवेलेंट डायग्राम, इसमें क्या होगा? एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, दोनों रेस्ट पे रख दिया, सिर्फ कुछ किया नहीं, खाली यहां रख दिया, फ्रिक्शन कितना ऐड करेगा दोनों बीच में? मैंने एक ब्लॉक को इस सरफेस पे रख दिया, ये फ्रिक्शन है, यहां म्यू है, फ्रिक्शन कितना ऐड करेगा? जीरो। मैंने इस प्लेटफॉर्म पे इसको डाल दिया, सॉरी, मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको इस तरह से डाल दिया हॉरिजॉन्टल, फ्रिक्शन कितना ऐड कर रहा है? जीरो। क्यों जीरो ऐड कर रहा है? फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? तब भी दोनों रेस्ट पे ही था, बिना फ्रिक्शन के भी रेस्ट पे, तो फ्रिक्शन को कोई कुछ करना नहीं है। फ्रिक्शन कम्स इनटू पिक्चर ओनली इफ एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट्स मोशन, क्रिएट्स रिलेटिव स्लिपिंग, तो यहां फ्रिक्शन ऐड करेगा नहीं, ये फ्रिक्शन जीरो। बहुत अचरज की बात है, पूरी बॉडी मूव कर रही है, पूरी बॉडी मूव कर रही है बट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चूंकि रेस्ट पे है फ्रिक्शन ऐड नहीं कर रहा, फ्रिक्शन यहां ऐड करता ही नहीं है, तो इस केस में फ्रिक्शन जीरो होता है, बिकॉज फ्रिक्शन जीरो है, फोर्स जीरो है, टॉर्क जीरो है, ओनली क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू काइनेमेटिक्स। और बहुत क्वेश्चन पूछता है आईआईटी से, बहुत क्वेश्चन पूछता है, पहले बता देता हूं, ठीक है? तो वी, अब बताओ वी सी एम और ओमेगा आर का मैग्नीट्यूड आ गया सेम, यहां मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, वो तो होगा ही, और डायरेक्शन भी अपोजिट था। अब मुझे ये बता दो इस पॉइंट की, अगर ये ग्राउंड के ऊपर हो रहा है, अगर ग्राउंड के ऊपर हो रहा है तो वी सी एम और ओमेगा आर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मुझे अब ये बता दो कि अगर ग्राउंड के ऊपर हो रहा है तो वी सी एम और ओमेगा आर का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या होगी? तो बताओ, अब मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या होगी? यहां बताओ क्या था, यहां पर
VCM फॉरवर्ड डायरेक्शन में था और ओमेगा इंटू आर फॉर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में था और ओमेगा आर की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है VCM के, सही है ना। ओमेगा आर की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है VCM के, खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे। यहां यहां पर देखो, यहां पर VCM फॉरवर्ड ओमेगा आर जिसकी वैल्यू तुमको आ चुकी इक्वल टू VCM, तो कैंसिल हो गया, यहां हो गया जीरो, ये वेलोसिटी हो गया जीरो। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी जरा बता दो, VCM फॉरवर्ड ट्रांसलेशन के कारण VCM फॉरवर्ड ओमेगा इंटू आर इस पॉइंट पे टेंजेंशियली भी फॉरवर्ड यू हैव टू VCM होगा, इसकी मैग्नीट्यूड VCM के इक्वल है। यहां बताओ क्या होगा, VCM फॉरवर्ड ओमेगा इंटू आर टेंजेंशियली डाउनवर्ड, इन दोनों का रियल टर्म क्या हो जाएगा, ये भी ये है VCM, ये है ओमेगा आर जो कि इक्वल टू VCM है मैग्नीट्यूड में, तो इसकी वेलोसिटी आएगी रूट टू VCM, सही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी बताओ, VCM ड्यू टू ट्रांसलेशनल, VCM ड्यू टू ओमेगा आर, ये भी VCM के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो इसकी नेट वेलोसिटी आएगी रूट टू VCM। इस पॉइंट की बताओ, ड्यू टू ट्रांसलेशनल VCM ड्यू टू रोटेशनल जीरो, रोटेशनल मोशन के कारण जीरो, इसकी नेट वेलोसिटी आएगी VCM, सही है। यानी ये पॉइंट रेस्ट पर है और ये पॉइंट टू VCM से मूव कर रहा है, ये पॉइंट रेस्ट पर है, ये पॉइंट टू VCM से मूव कर रहा है और ये पॉइंट VCM से मूव कर, क्या होगा सेंटर ऑफ मास मूव क्यों नहीं करेगा, है ना इसके VCM तो है ना इसके पास, रोटेशन के कारण एक्सिस का पॉइंट रेस्ट पे होता है। अब देखो इसका प्रूफ क्या है, तो लग रहा होगा अजीब सा कि ये रेस्ट पे है और ये चल रहा है, ये रेस्ट पे और ये चल रहा है और वो भी डबल से चल रहा है। रेस्टिंग खिलाड़ी में एक फोटो दिया हुआ है, वो तुम भी कर सकते हो, एक साइकिल को चलने दो, एक बाईसाइकिल को चलने दो, उसकी एक फोटोग्राफ लो, एक तेज चलते हुए साइकिल की फोटोग्राफ लो, उस फोटोग्राफ में ये जो स्पोक्स होते हैं, यहाँ के स्पोक्स जो होते हैं वो बहुत क्लियर दिखते हैं और यहाँ के स्पोक्स जो होते हैं वो डिफ्यूज दिखते हैं। अगर तुम एक फोटो देखोगे रेस्टिंग में भी दिया हुआ है कि जो वर्टिकल स्पोक है, यहाँ के ये स्पोक है एकदम क्लैरिटी के साथ दिखता है और जैसे जैसे तुम यहां से दूर जाते हो वो डिफ्यूज हो रहा है और टॉप मोस्ट जो है वो जैसे फैन चलता है बहुत तेज घूमता है उस टाइप से दिखता है, डिफ्यूज दिखता है फोटो में। दूसरा प्रूफ इसका क्या है, दूसरा प्रूफ इसका क्या है कि मैं अगर एक व्हीकल को एक व्हील को इस पे धागा वाइंड करके इसको डाल दूं यहां पे और फिर मैं इसको खींचूं, तो मैं क्या पाता हूं कि जितने टाइम में ये व्हील एक्स डिस्टेंस चला है मेरे हाथ से 2x डिस्टेंस का धागा निकल चुका है। तुम ये करके देख सकते हो, एक काम करो कि एक व्हील ले लो, एक व्हील के ऊपर धागे को टाइट से बांध दो, लपेट दो और इसका एक एंड यहां पकड़ लो और अब क्या करो, अब इस धागे को पुल करो, तो जब तुम पुल करोगे ये रोल करेगा, ये रोल करके तुम्हारे तरफ आएगा, धागे को पुल करो, तुम देखोगे कि अगर ये डिस्टेंस x है जब तक ये तुम्हारे पास आ जाएगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस पहले से ना होगा, जब ये तुम्हारे पास आ जाएगा ये डिस्टेंस, इसका सेंटर जब x डिस्टेंस मूव करता है तो 2x लेंथ का धागा तुम्हारे हाथ से पार हो चुका होगा, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी इसकी थी उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी उसकी डबल थी, इसलिए जो भी टाइम में ये जितना डिस्टेंस चलेगा ये पॉइंट यहां से धागा उसका 2x अनवाइंड होता है, ठीक है। अब हम इसको बाद में समझेंगे, एक कंसेप्ट बताएंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। हम कह रहे हैं अगर हम सोचो, अगर इमेजिन करते इस टाइप से, किस टाइप से, यहां कोई डाउट है किसी को इस डायग्राम में, ये सब वेलोसिटी जो है
ये 2 VCM, ये VCM, ये 0, ये root 2 VCM, net velocity, ये root 2 VCM. तुम यहां की velocity निकालना चाहते हो, इस point की. तुम इस point की velocity निकालना चाहते हो, जो यहां से कितने distance पे है, बोलो, x distance पे है. तुम इस center of mass से x distance पे एक particle की velocity निकालना चाहते हो, जो यहां से angle कितना बना रहा है, theta. एक ऐसा point जो center से x डिस्टेंस पे है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना, तुम इसकी नेट वेलोसिटी निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे? तुम क्या करोगे, तुम इसको पहले एक VCM डालोगे जो सबकी कॉमन है. एग्रीड? इसको एक वेलोसिटी क्या दोगे? VCM. दूसरा तुम क्या करोगे, यहां एक सर्किल बनाओगे, इस तरह से x रेडियस का सर्किल बनाओगे, x रेडियस का. तो ये टेंजेंशियली एक और वेलोसिटी होगी. कितनी होगी ये? ये वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा एक्स होगी ना. और तुम इन दोनों का वेक्टर सम लोगे, तुम इन दोनों का वेक्टर सम लोगे. अब तुम बोलोगे ये ओमेगा एक्स, तो समझे ये एंगल कितना होगा. तो देखो क्या होगा, दिस थीटा सो दिस थीटा, दिस प्लस दिस नाइंटी सो दिस ही थीटा होगा. ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, दिस प्लस दिस नाइंटी, दिस प्लस नाइंटी, ये भी गया थीटा. तो VCM और ओमेगा एक्स का रिजल्टेंट ये बनेगा, बनेगा ना. अंडर रूट VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू VCM इंटू ओमेगा एक्स इंटू कॉस थीटा. ये होगी इसकी नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P. अभी निकालना नहीं है, पूछता भी नहीं है. एडवांस हो सकता है कहीं डीप में जाएगा तो पूछेगा, यहां की स्पीड निकालनी, कुछ नहीं करना है. VCM कॉन्स्टेंट वेक्टर है, ओमेगा इंटू एक्स. तो जैसे अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना चाहता हूं इस मोशन में, जब ये मोशन में करा रहा हूं, मैं मान लो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, इस पॉइंट की, तो मैं क्या करूंगा, एक इस डायरेक्शन में लूंगा ओमेगा एक्स और एक लूंगा इस डायरेक्शन में, दोनों का वेक्टर सम ले लूंगा. नाउ इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, इसका एक शॉर्टकट मेथड है. चूंकि मैंने डायग्राम बनाया, मैं यहां थोड़ा सा बता देता हूं. ये बताओ, क्या इस पॉइंट Q को ये पता है इसके बाद ग्राउंड है भी कि नहीं है? इस पॉइंट Q को क्या ये पता भी है इसके बाद ग्राउंड है कि नहीं है? वैसे भी जो भी चीज हो रहा है, मान लो इस ग्राउंड को यहां से हटा दें, हम इसके पहले का ग्राउंड और इसके बाद का ग्राउंड हटा दें, तो क्या सिचुएशन में कोई चेंज आया इस पॉइंट पे? नहीं है, बाद में आएगा, ठीक है, अभी नहीं आया ना. इस मोमेंट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना. तो अगर हम ये माने कि जो पॉइंट रेस्ट पे है, जिस पॉइंट की स्पीड जीरो है, वो एक टिप ऑफ द निडल है. क्या है वो? वो एक टिप ऑफ द निडल है. और हम ये माने कि ये एक सुई की नोक है, जिसके ऊपर ये बॉडी यहां पर है, और ये अभी इसके अबाउट क्या हो रहा है, ऐसे टॉपल कर रहा है, गिर रहा है. यानी अगर हम इस Q को हटाते हटाते अंत में इस Q को सिर्फ क्या बना दें, एक सुई की नोक बना दें, एक सुई की नोक बना दें, जैसे ऐसे इसके ऊपर अगर इसको छोड़ दें, ये ऐसे गिरेगा ना इसके ऊपर से स्लिप करके. अगर हम एक नेल के ऊपर इसको छोड़ दें, ना ना इसके पहले कुछ है ना इसके बाद कुछ है, तो इस मोमेंट पे ये गिरना चाहेगा, और ये प्योर एक्सिस होगा, क्योंकि एक्सिस की खासियत क्या होती है, वो रेस्ट पे होता है. तो ये पॉइंट रेस्ट पे है ना, और हम इसको एक्सिस मान लें, और हम इसको अगर एक्सिस मान लें बॉटम मोस्ट पॉइंट को, इस पॉइंट पे हम ये मान लें कि ये डिस्क है, एक डिस्क है जिसके सबसे नीचे एक छोटा सा होल किया हुआ है, और वो होल एक पिन में घुसा हुआ है. हम ये मान लें ये डिस्क है जो सबसे नीचे उसके एक होल किया हुआ है, और उस होल में एक पिन है, और ये इसके बाद अभी प्योरली रोटेट करके गिर रहा है. हालांकि बात और है कि गिरने से पहले जमीन आ जाएगा, बट इस मोमेंट पे ये ऐसा बिहेव कर रहा है, ये इस एक्सिस के बाद गिर रहा है. तो उस केस में अगर हम इसको कह दें ये ओमेगा से गिर रहा है, चूंकि ये रिस्ट पे है, ये इसका प्योर एक्सिस है, तो ये बताओ अगर ये एक्सिस है और ये ऐसे करके गिर रहा है, तो ये बताओ इसकी स्पीड कितनी आएगी, इसकी स्पीड कितनी आएगी, सो बताओ. ओमेगा इंटू आर, अगर ये एक्सिस है तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है. अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस से इस सेंटर मास की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर.
इसकी नेट, क्योंकि ये प्योर एक्सिस है, इसके अबाउट ये प्योरली रोटेशन में है, तो ये हो जाएगी ओमेगा इंटू आर। हम ओमेगा इंटू आर को नाम दे देते हैं वीसीएम। इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस एक्स टू आर है, तो इसकी स्पीड कितनी है, ओमेगा इंटू टू आर, बिकॉज ओमेगा इंटू आर वीसीएम था, ये होगा टू वीसीएम, और डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर होगा ही रेडियस वेक्टर के। इसको बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी है, रूट टू आर। इस पॉइंट की डिस्टेंस इस एक्सिस से कितनी है, रूट टू आर, और इसके परपेंडिकुलर इस रेडियस के पर इसकी स्पीड कितनी है, रूट टू आर इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा इंटू आर वीसीएम था, रूट टू वीसीएम, और इसके परपेंडिकुलर का मतलब 45 डिग्री। इसकी वेलोसिटी क्या होगी बताओ, रूट टू आर टाइम्स ऑफ ओमेगा। देखो क्योंकि जब भी तुमको एक्सिस लोगे, अब यहां से एक बार तुमने इसको अगर एक्सिस बना दिया, तो यहां से किसी डिस्टेंस एक्स पे, यहां से किसी डिस्टेंस एक्स पे एक आर्क बनाओ, और यहां से किसी डिस्टेंस एक्स पे एक आर्क बनाओगे, वहां नेट स्पीड होगी ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू एक्स होगी ना। यानी कि जो काम तुम दो स्टेप में करो, एक स्टेप में कर सकते हो। तुम जो काम दो, तुम पहले क्या कर रहे थे, पहले वीसीएम निकालते थे, फिर ओमेगा निकालते थे, फिर दोनों को सुपर इंपोज करते थे, बट इस केस में तुमने वो एक्सिस फाइंड कर दिया जिसके अबाउट ये प्योर रोटेशन मोशन है, ये वो एक्सिस के अबाउट ये प्योर रोटेशन मोशन है। इसीलिए यहां से सिंपल डिस्टेंस ले लो, जैसे इस पॉइंट का निकालना चाहते हो तो सिंपल इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दो। अगर ये डिस्टेंस जेड है तो इसकी नेट स्पीड जो ये आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ओमेगा जेड, इन दोनों का वेक्टर सम जो निकला था ना वो आएगा ओमेगा जेड, और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, और इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी जेड के। यानी कि एवरी कंबाइंड मोशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योरली रोटेशनल मोशन। टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, दैट एक्सिस अबाउट विच एनी कंबाइंड मोशन इज प्योरली रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो याद रखना, हम दो स्टेप की जगह एक स्टेप में भी निकाल सकते हैं, वो हमारा शॉर्टकट मेथड होगा, वो हमारा शॉर्टकट मेथड होगा, वो हम बताएंगे। बट ये समझ लो, हम अगर यहां प्योर एक्सिस ले लेते, हम एक स्टेप में सब कुछ का आंसर निकाल सकते थे। यहां से किसी भी पॉइंट की दूरी जेड है, उसकी नेट स्पीड वेक्टर सुपर इंपोजिशन वीसीएम और ओमेगा आर का वेक्टर करके जो निकलता है वो एक बार में निकलेगा, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ जेड, दिस वुड बी ओमेगा टाइम्स ऑफ जेड, एंड दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट वीसीएम स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर। समझ लो ना, ये ओमेगा इंटू जेड की वैल्यू वही आएगी प्लस टू वीसीएम इंटू ओमेगा इंटू एक्स कॉस थीटा। So, बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कैसे निकलता है बताएंगे बाद में, पहले ये समझो। तो तुमको समझ आया, यहां टू वीसीएम वीसीएम रूट टू वीसीएम, एग्रीड। लेट अस सी मोर, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो अगर मेरे पास कोई प्योर रोलिंग ग्राउंड पे हो रही है, अगर मेरे पास कोई प्योर रोलिंग कहां हो रही है, ग्राउंड पे हो रही है, तो हमने हमारा ये कहना है कि हम दो तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, हम दो तरीके से चीजों को निकाल सकते हैं। और कौन सा एक तरीका है कि हम ये करें, एक तरीका है कि हम देखो, सो पहली बार हम इस पर थोड़ा वो बता देते हैं जो जनरली बुक्स में क्वेश्चंस मिलते हैं। उसको देखो, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड हो रहा है, इसका मतलब पहले तुम बता चुके इसमें सारे क्वेश्चन कहां से आएंगे, काइनेमेटिक्स से। सो ऑल क्वेश्चंस फ्रिक्शन इज जीरो, ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन काइनेमेटिक्स, नो क्वेश्चन ऑन
न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर, वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं, मतलब वो जो है एनर्जी जो भी हो कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है ये पूछ सकता है, बट वर्क एनर्जी थ्योरम लगा कि एक सिचुएशन दूसरे सिचुएशन चेंज नहीं पूछ सकता, चेंज नहीं होता। ठीक है, फ्रिक्शन जीरो है भले सरफेस रफ है, इवन इफ सरफेस इज रफ, तो यहां फ्रिक्शन निकालना तो कुछ है ही नहीं। अच्छा तो होता क्या है जरा देखो, यहां पे होता है VCM यूनिफॉर्म प्योर रनिंग, मतलब VCM इज कांस्टेंट नॉट चेंजिंग विद टाइम, ओमेगा इज कांस्टेंट नॉट चेंजिंग विद टाइम एंड नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग बिटवीन एनी पॉइंट्स इन कॉन्टेक्ट, नो स्लिपिंग एट, और यू कैन से द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट इज जीरो। हम कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट इज जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट इज जीरो। हम जानते हैं कि ये रोलिंग ग्राउंड पे हो रही है और इस तरह से हो रही है, अगर इसकी सेंट्रल मास की स्पीड, अगर सेंट्रल मास की स्पीड VCM और अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है रेडियस r और ये ग्राउंड पे हो रही है, इसका मतलब है कि VCM माइनस ओमेगा r जीरो होना चाहिए, सो VCM इज इक्वल टू ओमेगा r होगा पहली बार। अब मैं ये जानना चाहता हूं, मैं यहां से ये पॉइंट रेस्ट पे होगा क्योंकि VCM और ओमेगा आर इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों कैंसिल कर जाएंगे। मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी जानना चाहता हूं, एक ऐसा पॉइंट जो डाउनवर्ड वर्टिकल से एंगल थीटा पर है, एक ऐसा पॉइंट जो डाउनवर्ड वर्टिकल से एंगल थीटा पर है, मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी जानना चाहता हूं, मैं इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी जानना चाहता हूं जो डाउनवर्ड वर्टिकल के साथ एंगल थीटा पर है और पेरिफेरी पर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा देखो इस पॉइंट की दो वेलोसिटी होगी, कौन कौन सी, एक होगी VCM, एक होगी VCM ड्यू टू ट्रांसलेशनल, एक होगी रोटेशन की वजह से इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली, कितनी बनेगी बताओ, ओमेगा आर, जिसकी मैग्नीट्यूड VCM के इक्वल है, सही ना। मुझे इन दोनों का वेक्टर, मैं इनको आई कैप जे कैप में लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो इनको आई कैप जे कैप में लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट पी, वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट पी नेट वेलोसिटी इज VCM आई कैप, VCM आई कैप प्लस VCM cos थीटा, VCM cos थीटा माइनस आई कैप, VCM cos थीटा माइनस आई कैप प्लस VCM sin थीटा j कैप, सही है। इसको लिख दिया VCM आई कैप और इसका दो कंपोनेंट ले लिया, दोनों का वेक्टर सम करना था, VCM cos थीटा माइनस आई कैप प्लस VCM sin थीटा j कैप, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p इज इक्वल टू, आप देखेंगे आ जाएगा VCM इंटू वन माइनस cos थीटा आई कैप प्लस VCM sin थीटा j कैप, सही है ना। ये हो गया नेट वेलोसिटी, मैं आपसे पूछ सकता हूं वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे की क्या कहेंगे, जहां पे ये वेलोसिटी 37 डिग्री बना रहा है या ये वेलोसिटी कुछ और बना रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो तुम इसको कर सकते हो। अब अगर हम वेलोसिटी ऑफ पी का मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं कितना आएगा, अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आएगा ना, या डायरेक्ट भी
कर सकते थे अंडर रूट वी सी एम स्क्वायर प्लस वी सी एम स्क्वायर प्लस टू इंटू वी सी एम इंटू वी सी एम कॉस कितना, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बताओ, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस ओमेगा आर वेक्टर एंड वी सी एम वेक्टर, जल्दी बताओ वन एट्टी डिग्री माइनस थीटा कि जब टेल से टेल मिलता है दोनों का टेल एक पॉइंट पे है तो जो एंगल 180 से कम होता है उसको बोलते हैं ये हो गया 180 माइनस, ये भी लिख सकते हो अंडर रूट वी सी एम स्क्वायर प्लस वी सी एम स्क्वायर प्लस टू इंटू वी सी एम इंटू वी सी एम कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हो ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट इसको और इसको स्क्वायर करके एड कर दो। तो बताओ इसकी स्पीड कितनी आएगी, क्या इसकी स्पीड आएगी वी सी एम, क्या इसकी स्पीड आएगी वी सी एम, कॉमन ले लो 2 माइनस 2 कॉस थीटा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 का स्क्वायर 1 तो कितना आ गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा, सही है। वन माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 सही है, क्या होगा 20 नहीं ये 22 नहीं ये 2 है 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 2 कॉमन ले लिया 1 माइनस कॉस थीटा होता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 सही है ना, चेक करते हैं, चेक कर ये नेट स्पीड बता रहा है, चेक करते हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए थीटा क्या है, बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए थीटा क्या बताओ, 0 बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए थीटा 0 डाल दो 0 वेलोसिटी आ गया 0 सही है, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए थीटा क्या होगा बताओ, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए थीटा क्या होगा 180 डिग्री डालो यहां साइन 180 डिग्री बाय 2 साइन 90 डिग्री 2 वीसीएम ठीक है, इसके लिए थीटा क्या होगा इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए थीटा क्या होगा 90 डिग्री डालो यहां 90 डिग्री बाय 2 साइन 45 डिग्री रूट 2 वी सी एम है ना, किसी पॉइंट का निकाल सकते हो। अब मुझे ये बताओ कितने पॉइंट हैं, किस पॉइंट की वेलोसिटी वी सी एम ही होगी, जिस पॉइंट की नेट स्पीड वी सी एम और वी सी एम मिलकर वी सी एम ही बनाएगा, जिस पॉइंट पे वी सी एम और वी सी एम मिलकर वी सी एम ही बनाएगा वहां यहां क्या रखोगे इसको वी सी एम रखोगे ना, जब यहां वी सी एम रखोगे साइन थीटा बाय 2 आएगा 1/2 आएगा, अगर यहां पे इसको डाल दो VCM तो VCM VCM कट जाएगा तो साइन थीटा बाय 2 आएगा 1/2, अगर साइन थीटा बाय 2 1/2 है तो थीटा बाय 2 कितना होगा, या तो 30 डिग्री और या फिर 150 डिग्री, यानी थीटा आएगा या तो 60 डिग्री या 300 डिग्री होगा ना, इनफैक्ट यहां से तुम अगर तुम यहां से कितना ले लो, इस डायरेक्शन में 60 ले लो या इस डायरेक्शन में 60 ले लो, 60 इधर से यहां से 60 क्लॉकवाइज और यहां 60 एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पॉइंट की स्पीड सेम होगी, टू ये वीसीएम के इक्वल होगी, और वैसे भी तुमको बता चुके हैं इस पॉइंट से किसी डिस्टेंस एक्स पे चले जाओ, इस पॉइंट से किसी डिस्टेंस आर पे चले जाओ तो इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी आएगी, इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी आएगी आफ्टर सुपर इंपोजिशन दैट इज सिंपली ओमेगा इंटू आर एंड परपेंडिकुलर टू दिस, इसीलिए यहां से डिस्टेंस आर पे तुम कोई भी पॉइंट लोगे, यहां से डिस्टेंस आर पे तुम एक आर्क बनाओ, यहां से डिस्टेंस आर पे जाओ जो एक्सिस जो पॉइंट रेस्ट पे था वहां से डिस्टेंस आर पे
एक आर्क बना के ऐसे एक आर्क बना दो, इन सारे पॉइंट्स की नेट स्पीड सेम होगी, होगी ना, क्योंकि सबकी स्पीड ओमेगा इंटू आर ही आएगी। यानी अगर ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे जिसकी स्पीड ओमेगा इंटू आर है, लेकिन दो ही पॉइंट मिलेंगे, एक एक ही पॉइंट मिलेगा जिसकी स्पीड जीरो है, और एक ही पॉइंट मिलेगा जिसकी स्पीड ओमेगा इंटू टू आर है। क्यों क्यों? अगर यहां से हम एक आर्क बनाते हैं रेडियस जीरो का, वो सिर्फ एक पॉइंट से पास करेगा, और यहां हम एक आर्क बनाएंगे रेडियस जीरो का, वो सिर्फ इस पॉइंट से पास करेगा। एग्रीड? Yes, और अगर हम यहां से एक आर्क बनाएंगे रेडियस टू आर का, वो भी एक ही पॉइंट से पास करेगा। लेकिन अगर यहां हम रेडियस कोई भी वैल्यू लेंगे जीरो से टू आर के बीच में, वो यहां बहुत सारे पॉइंट्स को पार करेगा। अगर डिस्क होगा तो इनफाइनाइट पॉइंट्स, अगर रिंग होगा तो दो पॉइंट, हर वेलोसिटी के लिए दो पॉइंट मिलेगा, जीरो और ओमेगा टू आर। वो सब खैर हम फिर से बताएंगे, अभी तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं ये टू वी सेम साइन ओमेगा बाय टू होता है। यहां थीटा कितना होगा बताओ, ये थीटा कितना होगा, टाइम टी में ये कितना घूमा, ये टाइम टी में कितना घूमा बताओ, ये जो है टाइम टी में कितना रोटेट किया ओमेगा इंटू टी, ये थीटा कितना होगा बताओ, ओमेगा इंटू टी, क्योंकि इसे घूमने का रेट क्या है, ओमेगा है, तो टाइम टी में ये पार्टिकल कितना घूमेगा, ओमेगा टाइम्स ऑफ टी, घूमेगा ना, ये जो एंगल ये रोटेट किया है ये होगा ओमेगा इंटू टी, क्योंकि इसको एक पूरा साइकिल कवर करने में टाइम लगता है, वो होता है ओमेगा बाय टू पाई बाय ओमेगा। जब ओमेगा इंटू टी होता है टू पाई, हम बोलते हैं एक साइकिल पूरा घूम गया, समझ रहे हो ना। यस सर। चलो, तो ये जो है तुम्हारा स्पीड आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, वी। इस पॉइंट की वेलोसिटी है टू वी। इस पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी है, इस पॉइंट की, बट नहीं है, क्यों नहीं है। तो पहला हमने वेलोसिटी देखा, ये स्पीड जो है टू वी सी एम साइन ओमेगा बाय टू होता है। देखो एक बात याद रखना, फिर से बता रहा हूं, बाद में भी काम देगा, कभी भी वेलोसिटी वेक्टर को इंटीग्रेट करोगे, वेलोसिटी वेक्टर को इंटीग्रेट करोगे, यानी इसको इंटीग्रेट करोगे आई कैप, इसको इंटीग्रेट करोगे जे कैप, तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम वुड गिव यू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड विथ टाइम क्या देगा, डिस्टेंस देगा ना। वेलोसिटी वेक्टर को इंटीग्रेट कर दो तो आई कैप और जे कैप के टर्म में आएगा, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, स्पीड को इंटीग्रेट, वो देता है डिस्टेंस, याद रखना। चलो, हम पहले तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं आ रहा है, आना तो चाहिए था, जब जो चीज रेस्ट पे है, क्या वो चीज जो रेस्ट पे है जरूरी है कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, पहले ये बताओ। डज वेलोसिटी जीरो इंप्लाइज एक्सेलरेशन जीरो, नहीं, ठीक है। तुमने देखा है जो पत्थर के ऊपर फेंकते हो, जब टॉप मोस्ट पॉइंट बताओ उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, बट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी तब भी जीरो होता है एट वन मोमेंट। यहां देखो, इसकी वेलोसिटी है वीसीएम जो कि कांस्टेंट है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा जो कि कांस्टेंट है। हमसे पूछा गया है इस पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी होगी और इस पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो क्या हमने किया, पहले हमने वेलोसिटी कैसे निकाला, हमने पहले माना कि ये सिर्फ VCM से चल रहा है, हमने सिर्फ पहले सिर्फ क्या लिया, ट्रांसलेशनल क्वांटिटी लिया ना, हमने पहले सिर्फ ट्रांसलेशनल क्वांटिटी लिया, वो कितना था VCM। हमने कहा कि देखो यहां पर VCM है, यहां VCM है, यहां VCM है और यहां VCM। हमने कहा कि बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल, ओनली ट्रांसलेशनल, ऑल द वेलोसिटीज आर VCM, ठीक है,
दूसरा हमने कहा ये सिर्फ रोटेट कर रहा था तो उसके कारण वेलोसिटी क्या क्या था, ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर, बिकॉज ये रेस्ट पे है तो वीसीएम माइनस ओमेगा आर हो गया जीरो, सो वीसीएम ओमेगा आर की मैग्नीट्यूड वीसीएम के इक्वल है, तो नाउ इसकी वेलोसिटी नेट कितनी चली है हमारी, हमारी इसकी वेलोसिटी आ गई रेस्ट पे आ गया, इसकी वेलोसिटी आ गई टू वीसीएम, क्योंकि ये ग्राउंड पे है तो ये रेस्ट पे होना है। अब जरा एक्सीलरेशन की बात करते हैं, फिर से अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना है हम क्या करेंगे, एक बार सिर्फ ट्रांसलेशनल लेंगे, एक बार सिर्फ रोटेशनल लेंगे। अगर हम ट्रांसलेशनल लेते हैं, अगर वीसीएम कांस्टेंट है, अगर इस कांस्टेंट स्पीड से इसको मूव करा देते हैं तो एक्सीलरेशन कितनी होगी हर पॉइंट की, जीरो, एग्रीड। तो ट्रांसलेशनल के कारण यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी के कारण हर पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी है, जीरो, एग्रीड। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, हर एक पॉइंट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, हर पॉइंट की एक्सेलरेशन जीरो होगी, मानते हो? एग्रीड। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन जीरो, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, बट ओमेगा कांस्टेंट डज नॉट मीन एक्सेलरेशन जीरो, ओमेगा कांस्टेंट मींस ओनली रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, एग्रीड। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो क्या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, ओके, ओमेगा कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो यहां एक एक्सेलरेशन आएगा, कौन सा, ओमेगा स्क्वायर आर, ये हर पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, दो चीजों का यहां भी हम सुपर इंपोजिशन ले रहे हैं, हम यहां भी दो एक्सेलरेशन का सुपर इंपोजिशन ले रहे हैं, ये बात और है कि ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन एक्सेलरेशन नहीं था तो जीरो पे सुपर इंपोज कर दिए इसको, क्योंकि इसकी वजह से है, तो क्या इसका एक्सेलरेशन है? है, ओमेगा स्क्वायर आर अपवर्ड्स, इसका कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर डाउनवर्ड्स, एग्रीड। ये बताओ बॉटम मोस्ट पॉइंट पी और टॉप मोस्ट पॉइंट क्यू के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, टू वीसीएम आई कैप, एग्रीड। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी इज टू वीसीएम आई कैप, व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, टू टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जे कैप, टू टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जे कैप होगा, ठीक है। अब बताओ तुम मुझे एक चीज, ये जो पार्टिकल तुमको दिख रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो इस समय है उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, टू वीसीएम, उसकी स्पीड टू वीसीएम, उसकी एक्सीलरेशन कितनी है, ओमेगा स्क्वायर आर, एग्रीड। हम जानना चाहते हैं ये जो पॉइंट क्यू जिस पाथ पे चल रहा है, ये पॉइंट क्यू ऐसे चलता है, बताऊंगा क्या होता है, पॉइंट क्यू इस तरह से चल रहा है, पहले पॉइंट क्यू किसी समय पे बॉटम पे था, पहले पॉइंट क्यू किसी टाइम पे बॉटम पे था, फिर ये पॉइंट क्यू उठा टॉप पे गया और फिर बॉटम पे आ जाएगा, यानी जो पॉइंट क्यू का ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, लोकस है, वो सर्कुलर नहीं है, वो सर्किल पे नहीं घूम रहा है, वो इस पाथ पे घूम रहा है, इसको बोलते हैं साइक्लॉइड, क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड। खैर साइक्लॉइड हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ कि हम इस पॉइंट पे जो क्यू जो चल रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जानना चाहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री,
हम इस ट्रेजेक्टरी का, तो हमको पता है, हमने तुमको किसी जमाने में बताया था, क्या बताया था, कोई भी कैसा ही पाथ हो, कोई भी कैसा ही पाथ हो, कोई चीज किसी पाथ पे चल रहा हो, किसी भी पॉइंट पे आप उसकी वेलोसिटी निकाल लीजिए, किसी पॉइंट पे आप उसकी स्पीड निकाल लीजिए, ये वेलोसिटी वेक्टर होता है, और ये फोर्स हो सकता है या एक्सीलरेशन हो सकता है इस डायरेक्शन में हो, बताया था। आप इस एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट निकालते हैं, कौन कौन सा, एक वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है यानी टेंजेंशियल होता है, एक एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, और एक एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट जो उसके परपेंडिकुलर होता है, बताया था, ए नॉर्मल। अब हमने क्या कहा था, कुछ नहीं करना है, ए नॉर्मल निकाल लो। ए नॉर्मल क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये क्या होता है, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, दैट मस्ट बी इक्वल टू स्पीड होल स्क्वायर। यहां को डायरेक्शन कोई मतलब नहीं, स्पीड होल स्क्वायर बाय समथिंग एंड दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही है, तो यहां बताओ अगर हम इस पॉइंट पे इसकी रेडियस और इस छोटे से टुकड़े का, इस पाथ का जो छोटा सा टुकड़ा होगा ये किसी सर्किल में सेट हो जाएगा, इस पाथ का छोटा सा टुकड़ा किसी बहुत बड़े सर्किल में सेट हो जाएगा, हमको उसकी रेडियस निकालनी है, यानी इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये। मैं क्या कर रहा हूं, कह रहा हूं व्हाट इज स्पीड, 2 VCM, स्पीड कितनी है इसकी, 2 VCM है, डिवाइडेड बाय समथिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम नहीं जानते, इज इक्वल टू व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। एक ही तो एक्सीलरेशन है बेचारे के पास, और वो पूरा का पूरा एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, एक ही तो एक्सेलरेशन है इसके पास, और वो एक्सेलरेशन भी इस वेलोसिटी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर ही है, तो ए नॉर्मल ओमेगा स्क्वायर आर ही हो जाएगा, हो जाएगा ना, यहां डाल दो ओमेगा स्क्वायर, देखो क्या आएगा, यहां से आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 VCM, मतलब 2 times ऑफ ओमेगा आर, जो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर था, का होल स्क्वायर बाय ओमेगा, यह आ जाएगा 4R का मतलब है अभी ये जहां पर है, ये जिस सर्किल का पार्ट है उसकी सेंटर यहां से 4R डिस्टेंस नीचे है, ये बहुत बड़े सर्किल पे चल रहा है अभी, क्यों चल रहा है एक्सप्लेन कर रहा है, साइक्लॉइड क्या होता है, इसमें ये पाथ लेंथ कितना होता है और क्यों होता है, ठीक है, तो समझ रहे, 4R होता है। खैर हम इसको इस पॉइंट के लिए भी निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका भी निकाल सकते हैं, हम रेडियस कर्वेचर इसका भी निकाल सकते हैं, हालांकि किसी बुक में दिया नहीं है, बट हम निकाल सबका सकते हैं, कि हम यहां टॉप मोस्ट पॉइंट का बताए हैं, कि हमको VCM और ओमेगा स्क्वायर पता था, मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि मोशन होता कैसे है, जब देखते हैं जब ये मोशन होता है साइक्लॉइड का, तो इसमें होता कैसे, इसका ट्रेजेक्टरी क्या होता है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक व्हील लेते हैं, तुमने देखा होगा जब जेट प्लेन जो होता है, जो मिसाइल टाइप का होता है, जो जब जेट प्लेन उड़ता है अपने पीछे एक धुआं छोड़ता चलता है, और वो धुआं धीरे धीरे डिफ्यूज होता है, बहुत टाइम तक वो धुआं वहां रहता है और धीरे धीरे डिफ्यूज होता है, वो CFC होता है, ओजोन के लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन जो भी है जब कोई जेट प्लेन आसमान में उड़ता है या मिसाइल या कोई रॉकेट लॉन्च होता है, बहुत सारा क्लाउड धुआं छोड़ता है जो उसका एक मार्क छोड़ता है, और वो मार्क कुछ देर बाद खत्म होता है, सही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक पहिया ले लेते हैं, हम एक बाइसाइकिल का व्हील ले लेते हैं, और उस व्हील के पेरिफेरी पे एक ऐसा ही एक अगरबत्ती लगा देते हैं, इंसेंस स्टिक लगा देते हैं, या कोई धूप बत्ती लगा देते हैं, या कोई ऐसा चीज लगाते हैं जो जब चले अपने पीछे एक धुआं छोड़ता जाए, और वो धुआं कुछ देर तक रहे ताकि मैं देख सकूं वो किस पाथ पे गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहां पर एक व्हील लिया,
ये ग्राउंड था, मैंने यहां पर क्या किया, एक धूप बत्ती डाल दिया, और धूप बत्ती को डालने के बाद मैंने क्या इसको रोल कर दिया, मैंने इसको रोल कर दिया। जब मैंने इसको रोल किया तो मैंने कुछ देर में पाया, कुछ देर के बाद मैंने पाया ये यहां पहुंचा, और उसके कुछ देर बाद मैंने पाया कि यहां पहुंचा। छोटा लग रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट पी था, मैंने कुछ देर में पाया ये पॉइंट पी यहां पहुंच गया, और फिर कुछ देर बाद पॉइंट पी यहां पहुंच गया, एक पूरा साइकिल। अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट पी, ये अपने धुआं जो छोड़ेगा वो इस टाइप से धुआं छोड़ता है, ये धुएं का मार्ग जो होगा ना वो कुछ इस टाइप से होता है, इस धुएं का मार्ग कुछ इस टाइप से होता है, इस धुएं का जो मार्ग होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, जो थोड़े धीरे धीरे डिफ्यूज करेगा, बट ये इस टाइप का एक शेप बनाता है, कुछ लगता है हाफ सर्कल है, कुछ चांद निकला हो, जो भी समझो। हम जानना चाहते हैं कि ये किस टाइप का पाथ है, हम जानना चाहते हैं किस टाइप का पाथ है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट पी का ट्रेजेक्ट्री निकालना है, इस पॉइंट पी का क्या निकालना है, ट्रेजेक्ट्री निकालना है। तो हम कहते हैं कि लेट अस टेक दिस पॉइंट एज ओरिजिन ओ, हम एक काम करते हैं कि हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और हम इसको क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक। तो पॉइंट पी स्टार्टिंग में कहां पे था, ओरिजिन पे था। अब किसी टाइम टी के बाद ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, किसी टाइम टी के बाद ये कहीं यहां पहुंचेगा। ये काम करते हैं कि ये स्टार्टिंग में था, ये फिगर थोड़ा गंदा हो जाएगा, तो इसको हम फिर से बनाते हैं। ये टाइम टी इक्वल टू जीरो पे था, हम कह रहे हैं किसी टाइम टी पर ये यहां पहुंच गया, किसी टाइम टी पर ये यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, पी कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, क्योंकि थोड़ा चला भी। तो हुआ क्या बेसिकली, समझो पहले तुमने क्या किया, इसको तुमने कैसे बनाया, पहले तुमने इसको यहां से खींचा, यहां ले आए, फिर इसको घुमा दिया, दो चीजें हुई, पहले ये डिस्क इसका सेंटर यहां से मूव करके यहां पहुंच गया, यहां से मूव करके यहां पहुंच गया, और फिर तुमने इसको टर्न भी कर दिया, दो काम किया। तो ये बताओ ये कितना मूव करेगा, क्या ये वी सी एम इंटू टी मूव करेगा, सेंटर कितना मूव करेगा, वी सी एम इंटू टी, सही है, टी टाइम में सेंटर ऑफ मास कितना मूव करता है, VCM into T, सही है? Yes, और ये कितना घूमता, ओमेगा इंटू टी। तो बताओ P का X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, what is the X कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, what is the X कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कह सकते हैं X कोऑर्डिनेट इज VCM into T माइनस R साइन ओमेगा टी, सही है जी, आर साइन ओमेगा टी, पहले आगे फिर पीछे, ठीक है। व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ये हाइट कितना होगा इसका, ये है सिंपली आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी, सही है। अगर सही है, अगर सही है तो वेरीफाई हो जाएगा, क्यों वेरीफाई हो जाएगा, हम इस पॉइंट पी की वेलोसिटी निकाल चुके हैं, तुमको याद होगा हम इस पॉइंट पी की वेलोसिटी निकाल चुके हैं, कितना आया था, इसकी वेलोसिटी आई थी वाई डायरेक्शन में वी सी एम साइन थीटा, और एक्स डायरेक्शन में वी सी एम माइनस वी सी एम कॉस थीटा, देखो कैसे आया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के साथ, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के साथ, कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ पी का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा बताओ, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा वीसीएम, इसको करोगे तो हो जाएगा माइनस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सही है, इसका हो गया वन डी टी बाई डी टी, ये आर साइन का कॉस और ओमेगा बाहर, तो क्या ये वीसीएम है, क्या ये आ गया वीसीएम इंटू वन माइनस कॉस थीटा, यही था ना, आया था ना, याद है मैंने क्या किया था, इसको कहा था इसकी वेलोसिटी VCM है और इसकी टेंजेंशियली है VCM ही है, ओमेगा इंटू आर ही है, यही ना,
याद है? तो इसकी VCM और ये VCM थीटा कहते हैं, VCM माइनस VCM cos थीटा, वही आ रहा है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ P अलोंग Y डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ P का Y कंपोनेंट, R का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस R बाहर, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा आर ओमेगा साइन थीटा, आर ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी आर ओमेगा मीन्स हो गया वी सी एम साइन थीटा। आया था ना ये चीज पहले भी, आई कैप दिस इज आई कैप दिस इज जे कैप, आया था ना, वही आएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट पता है और वाई कोऑर्डिनेट पता है, मैं इसका ट्रेजेक्ट्री निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? मुझे टाइम को, मैं इसको इसका ट्रेजेक्ट्री निकालना चाह रहा हूं, मैं इन दोनों इक्वेशन से ट्रेजेक्ट्री निकालना चाह रहा हूं। तो मैं एक काम करूं क्या, मैं लिख देता हूं x माइनस वी सी एम इंटू टी, एक्स माइनस वी सी एम इंटू टी का होल स्क्वायर, x माइनस वी सी एम इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सही है? तो कैसा इक्वेशन है, सर्किल का है? एक सर्किल जिसकी सेंटर, एक सर्किल जिसकी सेंटर है वी सी एम इंटू टी, देखो जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो इसकी सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? वी सी एम इंटू टी कॉमा हाइट कितनी होगी आर, होगी ना? सेंटर है वी सी एम इंटू टी एंड आर, रेडियस कितनी है आर, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर आर। ये एक सर्किल का सेंटर है जिसका सेंटर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट वो सर्कुलर मोशन किसके अबाउट कर रहा है, एक ऐसे सर्किल के अबाउट जिसका सेंटर खुद मूव कर रहा है, करेक्ट ना? ठीक है, तो ये हो गया। अब हम ये जानना चाहते हैं व्हाट इज दिस टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ निकालना चाहते हैं और ये टोटल लेंथ निकालना चाहते हैं। एक साइकिल के बाद, एक कंप्लीट साइकिल के बाद ये बॉटम मोस्ट पे था और एक पूरे साइकिल में ये वापस बॉटम मोस्ट पे पहुंच गया, एक पूरे रिवॉल्यूशन के बाद, एक पूरे साइकिल के बाद, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट ये है ओपी वेक्टर, एग्रीड? और डिस्टेंस ये टोटल पाथ लेंथ है। हमको प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये होगा 2πr, डिस्प्लेसमेंट होगा 2πr और डिस्टेंस होगा 8r। कैसे प्रूव करेंगे, कर दे प्रूव। देखो तुम क्या जानना चाहते, तुमको एक चीज तो पता है, देखो तुमको एक चीज तो पता है, ये हमेशा कांटेक्ट में था, यानी इसका हर पॉइंट, इसका हर पॉइंट ए बी सी डी कहीं ना कहीं जमीन से टच होते होते चला गया। इसका मतलब क्या, देखो ये पॉइंट भी पार किया होगा, ये सारे पॉइंट जो है कभी ना कभी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आए, ये सारे पॉइंट कभी ना कभी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आए। अभी पॉइंट पी था, कुछ देर बाद पॉइंट क्यू होगा, आर होगा, एस टी यू वी सब एक एक करके पॉइंट को क्रॉस करते गए और वापस यहां तक चला आया बिना स्लिप किए। इसका मतलब ये टोटल जो पाथ लेंथ है, ये टोटल पाथ लेंथ इसने चला होगा। तुम 2πr वैसे वैसे भी बोल सकते हो, तो ये सेंटर कितना चला बताओ, ये सेंटर एक साइकिल में कितना चलेगा VCM into T, ये सेंटर एक साइकिल में कितना चलेगा VCM into T, और T तुमको पता है क्या होता है, ये होता है 2πr बाय ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है पूरे साइकिल का, 2πr बाय ओमेगा। VCM बाय ओमेगा कितना है R, VCM इज इक्वल टू ओमेगा R, हो गया 2πr। या तुम्हारे पास एक और मेथड है, कौन सा मेथड है, तुम इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो ओमेगा टी, तुम अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे जीरो से लेकर के टोटल टाइम पीरियड तक, और अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे जीरो से लेकर टोटल टाइम तक, ये क्या देगा, ये देगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये क्या देगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन देगा ना,
डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन तुम्हारा आएगा जीरो, करके देखो। हाँ वो तो निकाल सकते हैं। अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, हमको ये टोटल पाथ लेंथ निकालना है, टोटल पाथ लेंथ, तो क्या करते हैं देखो, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड डीटी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ वेलोसिटी डीटी। एग्रीड? इसको हम निकाल चुके हैं पहले ही, ये था टू टाइम्स ऑफ वीसीएम साइन थीटा बाय टू, हमने इसका इस पॉइंट का जो पॉइंट यहां पर एक जनरल पॉइंट है यहां पर उसका हमने इंस्टेंटेनियस जो है स्पीड निकाला था, अंडर रूट वीसीएम स्क्वायर प्लस वीसीएम स्क्वायर प्लस टू इंटू वीसीएम इंटू वीसीएम कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो नेट स्पीड आ रहा था टू वीसीएम साइन थीटा बाय टू। इसको इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर टी तक, तो ये देखो टू वीसीएम बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी बाय टू डिवाइडेड बाय ओमेगा बाय टू, सही है। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ जीरो से टी, सही लिखा है ना, देखो। या मैं यही कर देता हूं, इतना नीचे करने की जरूरत नहीं है। देखो स्पीड को इंटीग्रेट करोगे डिस्टेंस देगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टू टाइम्स ऑफ वी सी एम साइन थीटा बाय टू, ये मैंने निकाला था डी टी जीरो से लेकर होल टाइम पीरियड तक, दैट वुड बिकम इक्वल टू टू वी सी एम बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी बाय टू डी टी जीरो से टी तक, टू वी सी एम साइन का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय टू माइनस कॉस ओमेगा टी बाय टू डिवाइडेड बाय ओमेगा बाय टू, ये हो जाएगा देखो फोर टाइम्स ऑफ वी सी एम, ये जीरो से लेकर टी तक जाएगा फोर टाइम्स ऑफ वी सी एम, इसको लिख दो कॉस जीरो माइनस कॉस ओमेगा टी बाय टू, सही है। अब तुम जानते हो ओमेगा इंटू टी होता है टू पाई, जितने टाइम में वो टू पाई घूम जाए उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड, ओमेगा इंटू टी होता है टू पाई, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ओमेगा टी बाय टू कितना हो जाएगा, कॉस पाई, वी सी एम बाय ओमेगा होता है आर, बिकॉज वी सी एम इज इक्वल टू ओमेगा आर, कॉस जीरो माइनस कॉस पाई कितना होता है, देखो कॉस पाई होता है माइनस वन, वन माइनस वन टू कितना आ गया एट आर, तो टोटल डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करता है आर कैसे करके वो एट आर होता है, याद रखना टोटल डिस्टेंस एट आर, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है फोर आर, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है फोर आर, ठीक है, और ये होता है एट आर, डिस्प्लेसमेंट होता है टू पाई आर, डिस्टेंस होता है एट आर, ठीक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, चलो ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है काइनेमेटिक्स की बात की, ठीक है, कल हम बात करेंगे डायनेमिक्स की, मतलब सेकंड केस की, जिसमें रोलिंग होगा विद एक्सेलरेशन, वहां फ्रिक्शन भी होगा बट फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा, फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन का टॉर्क भी होगा फ्रिक्शन का वर्क नहीं होगा, इसीलिए उस क्वेश्चन को जब भी बनाएंगे एनर्जी से ही बनाएंगे, क्योंकि जो जो वर्क नहीं कर रहा है उसका वर्क डन जीरो है, जो टॉर्क लगा रहा है फोर्स है, फोर्स है टॉर्क है बट वर्क नहीं है, तो वर्क जो नहीं है उससे सॉल्व करना आसान होता है, जो है उसको फिर कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।